इस कहानी को सिर्फ कहानी मत समझिए, इस कहानी का जो मोरल इन तैयारी नगर। सो गाइस, आज डिस्कस करेंगे इन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे आज। एक कहानी जो मुझे आपको बतानी है, ये कहानी आपके लाइफ को बहुत बदल देगी। सो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और फिर लास्ट में जो इसका मोरल है वो मोरल मुझे ज़रूर बताएं। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। डायमंड्स, इस कहानी का टाइटल है एकर्स ऑफ डायमंड्स। हफीज़ नाम का एक किसान अफ्रीका में रहता था। वो बहुत संतुष्ट था, इसीलिए वो बहुत खुश था। और वो खुश था क्यों? क्योंकि वो संतुष्ट था। तो इंसान संतुष्ट होने पर बहुत खुश रहता है, और अगर बहुत खुश रहता है समझ लीजिए वो संतुष्ट है। वो लाइफ अपना बहुत मज़े में जी रहा था। एक दिन वहाँ पे एक बुद्धिमान आदमी आता है और उसको कहता है कि क्या तुम एक चमकते हुए हीरे का ताकत और उसकी जो सच्चाई होती है उसे जानते हो? वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हारे पास अंगूठा भर का अगर एक हीरा आ जाए तो तुम एक पूरा का पूरा शहर खरीद सकते हो। फिर वो बुद्धिमान व्यक्ति कहता है अगर तुम्हारे पास एक मुट्ठी भर का हीरा आ जाए तो तुम पूरा का पूरा देश खरीद सकते हो। ये सुन करके वहाँ से वो बुद्धिमान व्यक्ति चला जाता है। रात होती है, रात भर बेचारा वो हफीज़ उसी के बारे में सोचते रहता है कि काश मुझे एक अंगूठी भर का हीरा मिल जाता, मुट्ठी भर का हीरा मिल जाता। ठीक है, वो सोचते रहता है, वो रात भर सो नहीं पाता बेचारा। वो असंतुष्ट हो जाता है और फिर निराश हो जाता है, नाखुश हो जाता है। रात में उसने सोचा कि सुबह होते ही मैं अपना पूरा फार्म ज़मीन बेच दूंगा और हीरे की तलाश में निकल जाऊंगा। सुबह होते ही वो ऐसा ही करता है, अपने परिवार को लेकर के वो चला जाता है। पूरे अफ्रीका में ढूंढता है लेकिन उसे हीरे नहीं मिलते। यूरोप और स्पेन में भी उसने हीरा ढूंढा लेकिन वो हीरा नहीं मिला। आखिरकार वो थक हार कर फाइनली मानसिक, शारीरिक और आर्थिक से तंगती होकर के, परेशान होकर के वो फैसला करता है कि मैं बार्सिलोना की नदी में डूब जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। अब चलते हैं उसके घर पर, देखते हैं उसके घर पर क्या हो रहा है। उसके घर पर वो मालिक जिसने कि उसके ज़मीन और फिर उसके फार्म को खरीदा था, वो बड़े मज़े में वहाँ पर अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। अगले सुबह जब सूरज की रोशनी उस झरने पर पड़ती है तो झरने बहुत सारे पत्थर रहते हैं, वो पत्थर चमकने लगता है। मालिक देख करके बहुत हैरान होता है, इतने सुंदर सुंदर पत्थर यहाँ पर कैसे हैं, क्यों ना मैं एक दो उठाकर अपने कमरे में ले जाऊँ, वहाँ काफ़ी सुंदर दिखेगा। वो उठा करके ले जाता है। अगले दिन वही बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ दोबारा आता है, कहता है क्या हफीज़ वापस आ गया है? मालिक कहता है कि नहीं, हफीज़ वापस नहीं आया है। उसके बाद वो उसकी आँखें अचानक उन पत्थरों पर पड़ती जो चमक रहे थे। वो कहता है ये तुम्हें कहाँ से मिला? बोला अरे ये तो बगल में झरने पे बहुत पड़ा हुआ है। बोला अरे ये तो हीरे हैं। बोला हीरे बहुत सारे वहाँ पड़े हुए हैं, बोला मुझे लेकर चलो। बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ जाता है और 4 से 5 सैंपल्स उठा लेता है, उसे जांच के लिए भेजता है। तो हकीकत में वो हीरे ही थे। ये देख करके जो मालिक होता है वो बहुत शॉक्ड रहता है, और फिर उसने सारे हीरे वहाँ से निकाल लिए। तो वो हीरे कहाँ थे? वो हीरे थे हफीज़ के फार्म के नीचे। तो फ्रेंड्स, आप पहले वो समझिए कि मॉरल क्या है। इस कहानी का मॉरल ये है कि इंसान जितना भी भाग ले, कुछ भी कर ले, उसकी कामयाबी, उसकी सक्सेस उसके पैर के नीचे होती है, उसके अंदर होती है। बस हमें उसको पहचानने की ज़रूरत है। उसे पहचानिए और फिर अपने सक्सेस को हासिल कीजिए। इस कहानी में एक चीज़ और भी है, एटीट्यूड, कि इंसान को अपना एटीट्यूड कभी नहीं खोना चाहिए। उसका एटीट्यूड ही पूरे दुनिया में उसको अलग बनाती है और उसे उसके सक्सेस तक लेकर के जाती है। तो आई होप कि अपना एटीट्यूड आप नहीं खोएंगे और फिर अपने खजाने को अपने अंदर ढूंढिए। वो खजाना आपके अंदर ही छुपा हुआ है। आपकी सक्सेस, आपकी कामयाबी, आपकी काबिलियत आपके अंदर है। एक बार ढूंढ करके देखिए और फिर अपने सक्सेस को पाइए। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।